लव जिहाद के खिलाफ कानून का मामला अब असम चुनाव में गूंजने लगा है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि अगर राज्य में दोबारा बीजेपी की सरकार बनी तो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा, लेकिन इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। ओवैसी ने MP के CM शिवराज के एक बयान का हवाला देते हुए निशाना साधा है। ओवैसी ने शिवराज के बयान को ट्वीट करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा है कि प्यार प्यार है, इसे जिहाद से जोड़ना सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए किया गया है। ओवैसी ने अगले ट्वीट में लिखा है कि पूजा करने या न करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत क्यों हो। दरअसल CM शिवराज गुवाहाटी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि उनकी पार्टी प्यार के खिलाफ नहीं है बल्कि प्रेम के नाम पर हो रहे जिहाद के खिलाफ है, और राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो MP की तरह यहाँ भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में देखिए, हम लव के खिलाफ नहीं है, जिहाद के खिलाफ है। कोई प्रेम करता है हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोभ लालच भय प्रलोभन धोखा दे के नाम बदल के गलत ढंग से अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ हमने पहले भी मध्य प्रदेश में भी कानून बनाए, हमने बनाए धर्म स्वातंत्र कानून, उत्तर प्रदेश में भी बनाए और पार्टी ने कहा है तो यहाँ भी बनेगा। अब विपक्ष के तो किसी से प्रेम है ही नहीं, वो प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझते, यहाँ तो उनको जिहाद ज्यादा दिखता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ने इसी साल लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनने वाले कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि धोखे से बहला फुसला कर धोखाधड़ी और जबरिया धर्मांतरण करने के लिए शादी की जाती है तो उस स्थिति में परिवार से शिकायत मिलते ही केस दर्ज किया जाएगा। यह अपराध गैर जमानती रहेगा और थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी। विधेयक में 5 साल तक के कठोर कारावास का भी प्रावधान है। धर्मांतरण कराए जाने पर जेल होगी। ऐसे अपराध में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा। शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर के यहाँ आवेदन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।